खबर जनपद चमोली से है, जहां अब हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। इसके तहत ही हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन के द्वारा श्रद्धालुओं को समय के अंतराल आने की अपील कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि इन दिनों मौसम भी सुहावना बना हुआ है, जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं वह 10 अक्टूबर से पहले अपनी यात्रा कर सकते हैं। अभी तक हेमकुंड साहिब में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सो अभी 17-18 दिन शेष हैं तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर पहुँचें। समापन वाले दिन भी लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री पहुँचने की संभावना है। इस साल यात्रा बहुत अच्छी रही है और आज तक लगभग 2.25 लाख यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। आपके माध्यम से सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है वो श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर आएँ। पवनहंस हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध है, घोड़े कांडी डांडी भी यहाँ पे मुहैया करवाए जा रहे हैं यात्रियों को। सो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने जरूर आएँ और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।